आज की वीडियो उन सभी के लिए जिन्हें फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ उनकी साइफाई दुनिया की एडवेंचरस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ उनकी दुनिया देखना किसे पसंद नहीं। तो आज की वीडियो में हम लाए ऐसे ही 10 साइफाई पे बनी मूवी का पार्ट 2, जो भरोसा रखिए भाई सिर्फ क्वालिटी ही होगी, जिसमें बोनस मूवीज भी होंगी जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगी। और इसके फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि उस लिस्ट में भी सिर्फ बेस्ट ही होगा। तो भाई सिर्फ क्वालिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। आप लोग हर एक वीडियो देखते हो यार पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, आज कर दो। और इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक के लिए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, आप वहां से डाउनलोड कर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 7 की मूवी आसमान में कुछ तो है पर पता नहीं क्या। ऐसी मूवी को थोड़ी पेशेंस रखकर और जॉर्डन पील की कमाल की डायरेक्शन के साथ मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं थोड़ी डरावनी वे में, तो इस मूवी को आपको डेफिनेटली एक ट्राई देनी ही चाहिए। 2022 की साइफाई हॉरर के साथ आसमान में कुछ तो है, जिसमें देखते ही लोगों को अपने अंदर खींच ले रही है। आखिर आसमान में क्या है जिसे तो भाई बहन मिलकर पता लगाते हैं। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखो। जॉर्डन पील की तरफ से कमाल की डायरेक्शन देखने को मिलेंगी, जिनकी खासियत है भाई मूवी आपकी पेशेंस को टेस्ट जरूर करती है। और यकीन मानिए इस तरह की थोड़ी स्लो पेस्ट वाली मूवीज देखना पसंद है तो आपको ये मूवी 100% सेटिस्फाई करेगी। कई जगह पे मूवी आपको डराएगी भी और कई जगह पे आपको सरप्राइज भी करेगी। आप इस मूवी को देखकर पता करो उस आसमान में ऐसा है क्या जो लोगों को अपने अंदर निगल रही है। कमाल की हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी कमाल की सिनेमेटोग्राफी के साथ जबरदस्त साइफाई कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस मूवी को आप एक ट्राई जरूर दीजिए। 2021 की साइफाई एक्शन के साथ इन्फिनिटी। जिस तरह से मूवी के नाम है भाई, मूवी की कॉन्सेप्ट उसी तरह की है। इन्फिनिटी नाम की एक ऐसी ग्रुप भाई जो मरकर फिर से जन्म लेते हैं, जिनकी अपनी पास्ट की सारी मेमोरी याद रहती है। इन्हीं में से एक ऐसे ग्रुप जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है, जहां पूरी मूवी एक अंडे के इधर गिर्द घूमती है। मूवी में आपको यही देखना है कि कैसे हमारे हीरो पूरे दुनिया को बचाते हैं, जिसमें एक्शन सीन आपको टॉप लेवल की देखने को मिलेंगी। ऊपर से ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ वो स्लो मोशन देखकर मजा ही आ जाता है। बस खटकी भाई तो इसके स्टोरी टेलिंग, मानते हैं साइफाई दुनिया की मूवी बना रहे तो फोकस इसके कॉन्सेप्ट पे होंगी, पर फिर भी यार कैरेक्टर से थोड़ा बहुत भी तो कनेक्ट कराते। पर कोई नहीं भाई, मूवी के एक्शन सीन टॉप क्लास की है। इसके बेहतरीन एक्शन और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई जरूर दीजिए मूवी को। हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी भाई गजब का कॉन्सेप्ट यार। एक नॉर्मल इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही हिस्सा इस्तेमाल करता है, तो सोचिए भाई अगर आपका दिमाग 20% काम करने लगे, फिर 50, फिर 100 तो क्या होगा। 10% में हमारी दुनिया इतनी डेवलप है तो 100% में क्या कुछ नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये मूवी भाई आपको 100% पर ले जाकर एक्सपीरियंस कराएगी। टाइम ट्रेवल तो भाई बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। 2014 की एक्शन साइफाई थ्रिलर के साथ लूसी। को जरूर देखिए, प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। ऊपर से हम सबकी फेवरेट स्कारलेट जोहानसन की स्वैग देखने को मिलेंगी। नंबर 5 की मूवी हमारे हीरो रेडिएशन की वजह से 5 दिनों में मरने वाले हैं, जिनका इलाज धरती के ऊपर उस इलिज्म स्पेस स्टेशन में है, पर वहां जाना इतना आसान नहीं। 2013 में आई साइफाई ड्रामा के साथ इलिज्म। स्टोरी आज से सीधा 100 साल आगे 2154 में सेट है, जहां अमीर लोग स्पेस एलिज्म नाम के एक शहर में रह रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि वहां पे हर एक बीमारी का इलाज है, यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। हमारे हीरो के दिमाग में उस एलिज्म शहर की सारी डाटा अवेलेबल है, जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे की स्टोरी भाई आप मूवी में देखो। बात करें मूवी की बेस्ट पार्ट की तो इसके फाइट सीक्वेंस मूवी में पूरी टेंशन बिल्ड करने की कोशिश करती है। ऊपर से मैट डेमन की आधी इंसान और आधी रोबोट वाली कैरेक्टर भाई खतरनाक है। आप इस मूवी को डेफिनेट देखो, आप 100% एंजॉय करेंगे। मूवी सोनी लिप पे अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी भाई इसके RGB लाइट के साथ इसके एक एक फाइट सीन कोई विजुअली ट्रीट से कम नहीं। डिज्नी की तरफ से 2010 की साइफाई एक्शन के साथ ट्रॉन लेगेसी। कंप्यूटर की एक वर्चुअल गेमिंग दुनिया, जहां सैम अपने पिताजी को बचाने के लिए उस गेमिंग की दुनिया में इंटर करते हैं। क्या सैम अपने पिताजी को बचा पाएंगे या नहीं। बात करें मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई मूवी 2010 की है, लेकिन फिर भी इसके विजुअल सीन आज की लेवल की है। एक्शन सीन तो भाई पूछो ही मत, वो RGB लाइट के साथ इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन आपको कूल लगेंगी। मूवी डिज्नी की तरफ से है तो विजुअली आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक एक सीन आपको वो एज ऑफ सीट वाली एक्सपीरियंस देगी। आप इस मूवी को डेफिनेटली देखो, एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
जाएगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी। अगर आप एक ऐसी फिल्म सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एंगेजिंग हो, जिसके मिस्ट्री आपको लास्ट तक बांधे रखे, जिसके स्टोरी लाइन आपको एक के बाद एक इसके सारे पार्ट देखने पर मजबूर करे, तो इस फिल्म सीरीज को आप बेहिचक देखना स्टार्ट करिए। एक बार में ही इसके सारे पार्ट आप देख कर खत्म कर डालोगे। हम बात करें 2014 से टोटल 3 मूवी का कलेक्शन साइफा एक्शन मिस्ट्री के साथ द मेज रनर फिल्म सीरीज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मूवी अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी। भाई इसका यूनिक कॉन्सेप्ट, इसके सिनेमेटोग्राफी और इसके एक्शन सीन आपका दिल जीत लेंगी। हम बात करें 2018 की साइफा एक्शन एडवेंचर के साथ मॉर्टल इंजन। स्टोरी हमारे फ्यूचर की दुनिया को दिखलाई है जहां वर्ल्ड वार की वजह से पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। अब लोग चलती हुई इंजन पे शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि मशीनों की शहर बनाकर, जहां स्टोरी एक ऐसे ही लड़की पे फोकस्ड है जो मॉडल इंजन के खिलाफ है, जिन्हें अपने शहर के साथ खुद को भी ऐसी एपोकलिप्टिक दुनिया में सर्वाइव करना है, जो यकीन मानो भाई देखकर आपको बहुत मजा आएगा। मूवी आपको टॉप लेवल पे ले जाकर एक्सपीरियंस कराएगी, चाहे इसके सिनेमेटोग्राफी हो या फिर इसके यूनिक कॉन्सेप्ट। ऊपर से इसके एक्शन सीन के साथ वो बैकग्राउंड म्यूजिक भाई कई बार आपको गूज़बम्प्स देंगी। लीड एक्ट्रेस की स्वैग यार, खासकर उनके पूरे चेहरे पे वो लाल पट्टी के साथ, जो सीधा दिल पर जाकर लगेगी। साइफाई एक्शन एडवेंचर के फैन है तो भाई ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मूवी को मिस नहीं करनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी। आज से 30 साल बाद फ्यूचर में होने वाले एलियन अटैक को फ्यूचर में जाकर रोकना है, जिनकी शुरुआत आज की प्रेजेंट दुनिया में हो चुकी है। हम बात करें 2021 की साइफाई एक्शन के साथ द टुमॉरो वार। स्टोरी 2051 की दुनिया एलियन अटैक की वजह से पूरी पृथ्वी तबाह होने की कगार पे है। इस प्रेजेंट की दुनिया से फ्यूचर की दुनिया को बचाना है, जिसका कनेक्शन आज की प्रेजेंट की दुनिया से है। वो क्या है भाई, आप मूवी में देखो और कैसे इस दुनिया को बचाते हैं। और नॉट डॉट मूवी आपको इसमें हाईएस्ट लेवल की थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी। वो एलियन की वो फ्यूचर की दुनिया वाली कॉन्सेप्ट और इसके सिनेमेटोग्राफी आपको हाईएस्ट लेवल पे एक्सपीरियंस कराएगी। बस एक ही बात खट की, वो फ्यूचर से पास्ट में आने वाली कॉन्सेप्ट एकदम से आई और एकदम से चले गए, पर कोई नहीं, इसके एक्शन सीन, कैरेक्टर की एक्टिंग और इसके सिनेमेटोग्राफी पूरी भरपाई करती है। क्रिस पैट और उनकी बेटी के बीच की केमिस्ट्री, प्रेजेंट की दुनिया में वो तो छोटी सी बच्ची है पर उस फ्यूचर की दुनिया में 30 साल की है। बाकी आप मूवी को बेहिचक देखो, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी। जिस मूवी में ब्यूटी क्वीन जेनिफर लॉरेंस हो और उनकी बैड एस एक्शन हो, तो भाई मूवी देखने का एक्साइटमेंट टॉप पे होती है। और क्यों ना हो भाई, हम ऑडियंस को ब्यूटीफुल फीमेल एक्शन देखने में एक अलग ही सुकून मिलती है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आती है। हम बात करें 2012 से टोटल 4 मूवी का कलेक्शन ऑस्कर विनिंग ब्यूटीफुल जेनिफर लॉरेंस की द हंगर गेम फिल्म सीरीज। मूवी को जरूर देखिए, जेनिफर लॉरेंस से एक अलग ही इमोशन से कनेक्ट होंगे। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी। अगर आप ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज के फैन है तो ये मूवी आपके लिए उससे भी एक लेवल ऊपर एक्सपीरियंस करा सकती है। 2011 की साइफाई ड्रामा के साथ रियल स्टील। स्टोरी बॉक्सिंग पे बेस्ड है, इंसानों की नहीं भाई, वो फ्यूचरिस्टिक रोबोटों के बीच। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मैक्स को कचरे के ढेर में एक रोबोट मिलती है, जिनमें कुछ चेंजेस कर उसे बॉक्सिंग के लिए तैयार किया जाता है। जिस तरह से हम सिंपल वे में इस मूवी को बता रहे हैं भाई, मूवी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको टॉप लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी, जो भाई एक टाइम पे जाकर एक बेटे और बाप की कमाल की इमोशन देखने को मिलेगी, जो आपकी इमोशंस को हीट करेगी। इस मूवी को आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। मूवी 2011 की है, लेकिन फिर भी इसके रोबोट फ्यूचरिस्टिक है। मूवी सोनी लिव पे अवेलेबल है। और आइए इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक के लिए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, जहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस भाई, ऐसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हर एक वीडियो देखते हो या पर सब्सक्राइब कर नहीं जाते हो, आज कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ। Still hang